असलकुम गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ आर जी बी एल ई डी सॉफ्ट रिंग लाइट सो so, मैंने ये रिंग लाइट परचेस की थी आर लाइट मेरे पास ऑलरेडी भी एक रिंग लाइट है बट उसमें आर कलर्स वग़ैरह नहीं है सो so, मैंने यहाँ पर एक आर रिंग लाइट परचेस की थी तो सोचा आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू शेयर करूँ बिकॉज़ मेरा जो चैनल है वो ऐसे ही रिव्यूज़ के से रिलेटेड है सो so, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ मैं अपने इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये आर जी बी एल ई डी सॉफ्ट रिंग लाइट है इसके अंदर गाइज बहुत सारे साइज़ आते हैं छोटा साइज़ भी आता है और एक मीडियम uh, साइज़ और एक लार्ज साइज़ भी आता है मतलब आर जी बी वाले आपको बहुत ज़्यादा आप किसी भी लोकल शॉप या फिर ऑनलाइन भी से अगर ऑर्डर करते हो तो इसमें आपको साइज़ वाइज मिलते ही हैं लेकिन यहाँ पर मैंने कौन सा साइज़ लिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ मैंने जो साइज़ लिया है वो एवरेज साइज़ है और मेरा जो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ऊपर अभी साइज़ अभी तक आया है मार्केट में मैंने जो साइज़ लिए ये नॉर्मल है और मेरे पास जो पहले रिंग लाइट थी उससे काफ़ी बड़ा साइज़ है और अब बिना टाइम को गवाए मैं आपको अनबॉक्स करके सारी चीज़ें डिटेल्स वग़ैरह दिखा देता हूँ कि कौन सी रिंग लाइट है क्या है कौन सा मॉडल है जो नॉर्मली यहाँ चाइना की ये रिंग लाइट है चाइना ब्रांड की आती है और मैंने इसे एक शॉप से परचेज़ किया है वीडियो में आगे चल के मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि वीडियो में आपको फुल नॉलेज मिलने वाली है कि आर जी पी रिंगलाइट के बारे में इसके कलर्स वग़ैरह क्या हैं और सारी चीज़ों की डिटेल्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो अगर मैं गाइस मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं हर चीज हर पॉइंट को कवर करूँ सो अगर नहीं कर पाया तो गाइस सॉरी बट कोशिश करूँगा मैं कि आगे मैं ऐसा कुछ ना करूँ कि हर पॉइंट को कवर करूँ तो रिंग लाइट का साइज़ आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बहुत ही प्यारा साइज़ है और क्वालिटी की मैं बात करूँ तो गाइस पहले वाली रिंग लाइट के हिसाब से मुझे तो ये क्वालिटी बहुत पसंद आई है क्योंकि जो पहले जो नॉर्मल जो सिंपल प्लेन रिंग लाइट आती थी गाइज कलर्स वग़ैरह इतने ज़्यादा नहीं होते थे बट ये आठ है तो क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छी है और वायर की क्वालिटी वगैरह भी ठीक ठाक है मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ करा हुआ है अनबॉक्स वग़ैरह कर लिया था बट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था तो मैंने इसलिए फिर से आपको हर चीज़ प्रॉपर दिखाई है इसके साथ जो ये फ़ोन हैंग करने के लिए दिया गया है ये इसका अपना नहीं है ये पुरानी रिंग लाइट का है मेरे क्योंकि मे इसका जो अपना इसके साथ मुझे जो रिसीव हुआ है आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो उसी पुरानी मेरी रिंग लाइट के पर हैंग हुआ हुआ है तो मैंने यहाँ इसलिए आपको ये चीज़ दिखा दी है कि आप सोचेंगे कि इसके साथ कोई आपको फोन हैंग फुल होल्डर वगैरह नहीं मिला तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा फ़ोन होल्डर भी मिला है जो कि जिस आप देख सकते हो जिस पे ये वीडियो शूट हो रही है उसी का वो होल्डर है सो so यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा स्टैपलेस डिमिंग वगैरह यहाँ पर है सॉफ्ट लाइट है फ्री स्पिन है और बहुत ही मतलब मजेदार सी ये लाइट है यहाँ पर कलर वेरिएशन की बात करूँ आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा कलर यहाँ पर बहुत ही प्यारे दिए गए हैं हमें और कलर की वजह से मैंने इसे ख़ास तौर पर परचेस की थी क्योंकि इसमें मल्टी कलर्स दिए जाते हैं अगर आप टिकट के लिए इसे शूट टिकट वगैरह के लिए आप इसे परचेस करना चाह रहे हैं तो बेस्ट है बहुत प्यारी क्वालिटी देती है लाइट की बात करें लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर तीन आपको पोर्ट दिए गए आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन होल्डर को और तीनों जगह में कहीं भी आप लगा सकते हैं उसके बाद अपने फ़ोन को हैंग कर सकते हैं और साइज़ क्वालिटी हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही प्यारा है और बाकी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर भी नज़र आ रही होंगी कि वीडियो में क्या चीज़ है और ये किस तरीके की दिख रही है वीडियो में क्लियरली इतना साइज़ नहीं मैंशन हो रहा बट साइज़ इसका अच्छा खासा है बॉक्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका साइज़ क्या है और यहाँ पर मैं आपको ऑन करके भी दिखाने वाला हूँ प्रॉपर के ऑन करने के बाद ये कैस किस तरह की लगती है ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में बट यहाँ भी मैं आपको ऑन करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से लगती है और क्या इसके जो है प्रोसीजर है नॉर्मली आप इसे पावर बैंक पर भी अच्छा खासा चला सकते हो मतलब बैकअप की बात करूँ ना आपका पावर बैंक अगर पाँच हज़ार का भी है ना जिस पावर बैंक से मैं इसे कनेक्ट करने जा रहा हूँ इसकी जो एम है वो फाइव थाउजेंड है और फाइव थाउजेंड एम एच के साथ ये अच्छा खासा बैकअप दे देती है मतलब मुझे तो मेरा ख़्याल है बैकअप के मामले में बहुत अच्छी है और क्वालिटी आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें यह होता है कि अगर आप कोई वीडियो भी शूट करते हो ना तो सारा फोकस ये आपके जो टारगेट होता है उसी को देगी क्योंकि लाइट की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेस्ट है ना जिस पर आप फोकस करोगे तो उसी पर फोकस देती है तो इसके अंदर जो नॉर्मल तीन कलर होते हैं एक दो वाइट एक येलोइश कलर होता है बाकी के इसके जो एक्स्ट्रा कलर है वो भी आपको मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से कलर हैं आप देख सकते हो यहाँ पर आठ मोड आपको यहाँ पर दिया गया है तो जैसे ही आप आठ बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको कलर देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं गाइज़ अगर आप फोटोशूट या वीडियो वगैरह वीडियोग्राफी इन सब चीज़ों के लिए लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं क्योंकि प्राइस की बात करते हैं अब मैं आपको प्राइस इसकी बता देता हूं तो ये मुझे दो हज़ार रुपये की पड़ी है सिंगल रिंग लाइट पड़ी है बिना किसी स्टैंड के हाँ मैंने इसके साथ कोई ट्राईपॉड या स्टैंड वगैरह परचेज़ नहीं किया अगर आगे मैं परचेज़ करूँगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा उसकी रिव्यू भी उसकी ऑनेस्ट रिव्यू भी मेरे ही चैनल पर मिलेगी अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेलाइकन को प्रेस कर दें अल्लाह हाफिज़